ये क्या कर रहे हैं बड़े पापा? मैं तुम दोनों के रास्ते का पत्थर हूँ, मैं खुद तुम दोनों के रास्ते से हट जाऊंगा। गुड बाय अहान, गुड बाय पंकी। बड़े पापा, मर जाने दिया होता यार, क्यों रोका? मैं यकीन कैसे दिलाऊं जूनियर? आई बिलीव यू बड़े पापा, आई ट्रस्ट यू। रो मत जूनियर, चलो घर चलते हैं, ठीक है? जैन साहब, लेकिन पंक्ति किस पंक्ति जाएगी और तुम हंसते हंसते उसे विदा करोगी, यही भगवान की मर्जी है। जाओ पंक्ति, अपनी मां का आशीर्वाद ले लो। ख्याल रखिएगा माँ। लेकिन पंक्ति, तुम माँ, माँ प्लीज हंसते हंसते विदा कर। लेकिन ये इस तरह प्लीज प्लीज पंक्ति को जाने दो। चलो। अरे तुम ये क्या कर रहे हो जूनियर? बड़े पापा, इसकी कोई जरूरत? पंक्ति का हाथ थामो। उसे तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। मर गई तुम्हारी माँ। जा पंक्ति, जा। चलो पंक्ति। चलो आ। अब नहीं बड़े पापा, हम अपनी गाड़ी में आएंगे। ठीक है, जैसे तुम चाहो, मैं तुम्हें घर पर मिलता हूं। क्या हल निकलेगा मेरे तुम्हारे घर शिफ्ट हो जाने से? सिर्फ जगह ही तो बदलेगी ना, मैं तो नहीं बदलूंगी और ना ही मेरा पास्ट बदलेगा। पर फ्यूचर तो बदल सकता है। क्या हुआ पंक्ति,
तुम्हें इस बात की टेंशन है कि उस घर में बड़े पापा भी होंगे? मुझ पे भरोसा है, खुद से भी ज्यादा। सारी टेंशन छोड़ दो, इसी बात की टेंशन है ना कि बड़े पापा भी उसी घर में होंगे, तो ये याद कर लेना कि तुम्हारा अहान भी उसी घर में होगा। पंक्ति, मैं बड़े पापा को एक चांस देना चाहता हूँ, पर उसके लिए मुझे तुम्हारा एक चांस चाहिए। तुम दोगी ना? सांसें मेरी सांसें नहीं तेरे लिए वाली, बातें मेरी बातें नहीं तेरे लिए वाली, राहत सी दे दूं तुझे दिल का है, आदत सी बना लूं तुझे दिल का है। जिस भी बंधन ने बांध रखा है तुम्हें, जिस भी मजबूरी ने, उससे आजाद कर दूंगा तुम्हें। आप तो ऐसा एक्साइट हो रही जैसे अहान पंक्ति को दुल्हन बनाकर ही ले आ रहा हो। ये लीजिए। अरे रखो, पंक्ति के लिए मंदिर में रखो। वाह जी, मिठाई ना हो गई जैसे कोई प्रसाद हो गया हो, जो आपकी बहू को भोग लगाए बिना कोई खा भी नहीं सकता। तायरा, जब तो ससुराल जाएगी ना तब तुझे पता चलेगा कि एक सास अपनी बहू के लिए सारी तैयारियां करती है ना, तो बहू को कितना अच्छा लगता है। अहान आ गया। तायरा, ये लो दिया जला के रखना। ओके मॉम। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज के बाद ऐसा कुछ होगा भी नहीं। देखो मेरे पीछे क्या है, तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बहू। अभी तो अपने बहू और बेटे को लेकर इतनी एक्साइटेड थी, ये अचानक क्या हो गया? कुछ नहीं दीदी। आहान, पंक्ति इधर आओ बेटा। यहाँ आओ।
वेलकम होम। रिश्ते में तो मैं तुमसे बड़ी हूँ, लेकिन क्योंकि हम लोग दोस्त हैं इसलिए तुम्हारे लिए डिस्काउंट। ये पैर वैर छूने की जरूरत नहीं है। ये अच्छा है, अब दोनों फ्रेंड्स एक ही घर में देवरानी जेठानी मानकर रहेंगे। अभी कुछ दिनों के लिए कायरा के रूम में एडजस्ट कर लो, फिर हम अपने रूम में। हमारे मेरे रूम में। मैं समझ गई। ये सब यहां से हटा देता हूं। तुम यहां पे अपनी पोएट्री लिख सकती हो, और अगर कायरा किसी भी काम से आए ना तो उसे धक्का मार देना। मैं भी बचपन में मार देता था। क्यों? अरे डरने की जरूरत नहीं है, वो मुझसे ज्यादा पावरफुल थी। वो मुझे वापस धक्का मार देती थी और मेरे ऊपर चढ़ के बैठ जाती थी, और तब तक नहीं हटती थी जब तक मां ना आ जाए। और वैसे ना वो रात को लाते वाते भी मारती है, तुम भी दो तीन मार देना, अपने आप रुक जाएगी। पंक्ति, हम ऑफिशियली अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, तो कुछ नई मेमोरीज बना ले। स्माइल, अरे पास आओ, अभी भी फ्रेम में नहीं हो, पास आओ। और पास। के लिए तेरे अंदर मर्ज होना पड़ेगा। वैसे मेरे पास एक 32 मेगापिक्सल वाला बढ़िया कैमरा है, उसमें इतना पास ना भी आओ ना तो भी अच्छी सेल्फी खींची जाती है। लेके आऊं मैं? एक दो से। पंक्ति, तुम कंफर्टेबल हो जाओ, हम बाद में मिलते हैं। तो पंडित जी, कब का मुहूर्त निकल रहा है? देखिए, मुहूर्त तो कई हैं, पर कोई भी मुहूर्त इतनी जल्दी नहीं है जितनी जल्दी आप चाहते हैं। सही नक्षत्र नहीं बन रहा है तो बना लीजिए पंडित जी, और उसके बदले कोई डोनेशन चाहते हैं आप तो हम दे देंगे। जेडी भी चाहते हैं कि एंगेजमेंट जल्द से जल्द हो जाए। पर इतनी भी क्या जल्दी है भाई साहब को? आहान कुछ तो जरूर चल रहा है उनके मन में, वरना रातों रात इतनी जल्दी ऐसे कैसे कोई सुधर सकता है? माँ रिलैक्स, पहले मुझे भी बिलीव नहीं हुआ था कि बड़े पापा एक्चुअली चेंज हो गए, बट पंक्ति के घर जो हुआ उससे हो गया। मैं पंक्ति के घर गया था। चाहे कुछ भी हो जाए तू नहीं जाएगी। पंक्ति यहाँ से जाएगी, मैं खुद उसे यहाँ से लेकर अपने घर जाऊंगा। मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाने आया हूँ, आहान की दुल्हन बनाने आया हूँ। क्या तुम दोनों मुझे मेरे किए के लिए माफ कर सकते हो? नहीं, मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकता।
गुड बाय आहान। बड़े पापा मे बी बड़े पापा हमारी घर की इज्जत के लिए चेंज हो गए हो। मे बी उन्हें रियलाइज हो गया हो कि पंक्ति के साथ कितना बुरा किया उन्होंने। आप ही तो कहती थी माँ कि हर किसी में अच्छाई होती है। मे बी ही रियलाइज हाउ ब्रूटल ही वॉज टू मी एंड टू पंक्ति। बहुत अच्छा किया डैड जो आपने उस लड़की को अहान को दे दिया। वैसे भी एक साल के बाद कोई भी चीज यूज करने लायक रहती ही नहीं है। बस अब इन दोनों की जल्दी से शादी हो जाए फिर हर बात पे हमेशा हमेशा के लिए पर्दा पड़ जाएगा। हाँ विक्रम मेरी भी यही उम्मीद है कि मेरे इस फैसले से फाइनली इस घर में शांति और खुशियां लौट आए। अगर बड़े पापा एक्चुअली चेंज हो गए हो तो अच्छा है ना माँ। पंक्ति सुकून से जिएगी वरना कब तक बेचारी डरी सहमी सी रहती। अब वो हमारे घर में हैप्पीली एंड पीसफुली रहेगी है ना। क्या आप दोनों यहाँ इमोशनल मूवी बना रहे हो? नीचे पंडित जी ने सगाई का मुहूर्त भी निकाल दिया है। आइए। हाँ अब आप प्लीज रोना मत शुरू कर देना। आपकी बेटी की नहीं बेटे की सगाई होने जा रही है। अब चलो। हाँ मेरी माँ चल रही हूँ। अच्छा हन तो जल्दी से फ्रेश होकर के नीचे आ जा। चल। पंक्ति तुम ना अब इसे अपना ही घर समझो। देखो मैं नहीं जानती कि तुमने पास्ट में क्या फेस किया और मैं तुम्हें वो बताने के लिए फोर्स भी नहीं करूंगी। लेकिन हाँ एक चीज के लिए फोर्स जरूर करूंगी, खुश रहने के लिए। तुम्हें पता है जब से तुम इस घर में आई हो ना तभी से तुम्हारा हैप्पीली एवर आफ्टर स्टार्ट हो गया है। इस घर में तुम्हें फैमिली फ्रेंड्स प्यार सब एक ही छत के नीचे मिल जाएगा। आई प्रॉमिस। थैंक यू रिचा। तुम तैयार हो जाओ तो वेट करें ठीक है। चाकर भी इतनी हिम्मत नहीं कर सकते। उन पे भरोसा नहीं है मुझ पे तो कर लो। मैं तुम्हारा डर समझ सकता हूं बट एक बार मेरी बाइसेप्स तो देखो। मेरी मसल्स कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता तुम्हारी ओर। लेकिन मुझे तो नहीं दिख रही है। बस ऐसी हंसती रहना सारा डर चला जाएगा। और प्लीज हाँ अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई मसल्स या बाइसेप्स नहीं चाहिए होते। जिगरा चाहिए होता है जिगरा और वो हद से ज्यादा है।